आज की कहानी की शुरुआत में कोस्टारिका के जंगलों को दिखाया जाता है और फिर यहाँ पर डॉक्टर मोर्बियस अपने साथियों के साथ एक हेलीकॉप्टर की मदद से इन जंगलों की एक पहाड़ी पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर कुछ खास तरीके के चमगादड़ पाए जाते हैं। इनमें बाकी के चमगादड़ों के अलावा ज्यादा पावर और खास किस्म की ताकतें होती हैं और इन्हें वैम्पायर बैट्स कहा जाता है। इसके बाद डॉक्टर मोर्बियस अपने हाथ पर एक कट लगाता है और उसके हाथ से खून बहने लगता है और फिर वो हाथ उस गुफा की तरफ करता है, जिससे वैम्पायर बैट्स खून की खुशबू को सुनकर उन पर हमला कर देती हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। और फिर यहाँ से कहानी जाती है 25 साल पीछे फ्लैशबैक में और यहाँ पर हमें यंग मोर्बियस दिखाया जाता है, जो इस वक्त एक हैंडीकैप होता है और इसे चलने फिरने में दिक्कत होती है। बेसिकली बचपन से ही मोर्बियस को एक रेयर ब्लड डिजीज थी और साथ ही डॉक्टर ने भी ये कह दिया था कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अब जिस हॉस्पिटल में मोर्बियस होता है उसी हॉस्पिटल में कुछ टाइम बाद एक लड़के की एंट्री होती है जिसका नाम होता है लूसियस और उसको भी वही बीमारी होती है जो मोर्बियस को होती है। और फिर इन दोनों की मुलाकात के बाद इन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और यहीं पर मोर्बियस उसे माइलो नाम देता है। इस हॉस्पिटल में इन दोनों का ध्यान रखने के लिए एक डॉक्टर भी थे, जो कि एक डॉक्टर के अलावा इन दोनों के अच्छे गार्डियन भी थे और इन दोनों को ही अपने बच्चों की तरह ध्यान रखते थे। फिर इस डॉक्टर को पता चलता है कि मोर्बियस को ब्लड डिजीज होने के बाद भी उसका ध्यान पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था और इसी इंटेलिजेंस को देखते हुए मोर्बियस को US पढ़ाई के लिए भेज दिया जाता है। और उसके बाद एक स्पेशल स्कूल में अच्छी पढ़ाई करने के बाद मोर्बियस एक अच्छा डॉक्टर बन जाता है और साथ ही एक सिंथेटिक ब्लड का आविष्कार करता है, जिसकी मदद से उसने काफी सारे लोगों की जान बचाई थी और इसी कारण डॉक्टर मोर्बियस को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। एक दिन मोर्बियस अपने लैब में काम कर रहा था। उसका लैब अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में था और उसके लैब का नाम था होराइजन लैब, जहाँ पर वो अपने कलीग मार्टिन के साथ था। दरअसल इस लैब में डॉक्टर मोर्बियस मार्टिन के साथ मिलकर अपनी सालों की ब्लड डिजीज की बीमारी के ऊपर प्रयोग करता रहता था कि कैसे इस बीमारी को ठीक किया जाए। और आज बहुत सालों की मेहनत के बाद मोर्बियस को एक छोटा सा तरीका मिल गया था अपनी बीमारी को दूर करने का, जिसमें वो वैम्पायर बैट्स के DNA को ह्यूमन बैट्स के DNA में मिला देता है और उन दोनों की मदद से एक सीरम को तैयार करता है। मोर्बियस को विश्वास था कि ये सीरम उसकी फिजिकल डिसेबिलिटी को खत्म कर देगा और इस एक्सपेरिमेंट के सक्सेस होने के बाद ये खुशखबरी वो अपने बेस्ट फ्रेंड माइलो को देने के लिए जाता है। और यहाँ हम माइलो को देख सकते हैं, जो कि काफी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था। दरअसल बात ये थी कि अब तक डॉक्टर मोर्बियस जितने भी बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट कर रहा था उन सभी की फंडिंग एक्चुअली माइलो ही कर रहा था। फिर मोर्बियस माइलो को बताता है कि उसने एक ऐसा सीरम बनाया है जो उसकी फिजिकल डिसेबिलिटी को खत्म कर देगा, लेकिन वह एक्सपेरिमेंट खतरनाक भी हो सकता है, इसीलिए वो इसे करने के लिए कहीं दूर चला जाएगा। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है इंटरनेशनल वाटर में, जहां पर एक शिप में डॉक्टर मोर्बियस मार्टिन के साथ इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए यहां पर आता है और अपने साथ कुछ गुंडे भी लेकर आता है, ताकि कुछ अगर गड़बड़ी होती है तो वो सिचुएशन को संभाल सकें। और अब समुद्र के बीचों बीच वो वक्त आ चुका था जब डॉक्टर मोर्बियस उस एक्सपेरिमेंट को खुद पर करने वाला था, जहां पर मार्टिन डॉक्टर मोर्बियस के शरीर में वो सीरम इंजेक्ट करती है, लेकिन यहां पर तो उसका उल्टा ही रिएक्शन देखने को मिलता है और धीरे धीरे डॉक्टर मोर्बियस की बॉडी इंसान से एक दरिंदे में बदलने लग जाती है और मोर्बियस की बुरे तरीके से हालत खराब हो जाती है और फिर मोर्बियस एक इंसान से एक वैम्पायर में बदल जाता है। और इस पूरे प्रोसेस में मोर्बियस को बहुत पेन होता है और दर्द होता है और इसी दर्द की आवाज को सुनकर बाकी के गुंडे भी वहां पर आ जाते हैं और फिर मोर्बियस जब इनके सामने आता है तो ये गुंडे मोर्बियस को देखकर डर जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। और इस वक्त वैम्पायर बना हुआ मोर्बियस बिल्कुल भी अपने कंट्रोल में नहीं था और उसकी ताकत मानो 100 गुना बढ़ चुकी थी और उसके सुनने और समझने की शक्ति भी 100 गुना बढ़ चुकी थी। और इन शक्तियों की मदद से मोर्बियस इन सभी गुंडों को मार देता है और इन गुंडों को मार कर उनके शरीर से उनका पूरा खून चूस लेता है। फिर अगले दिन जब मोर्बियस को होश आता है तो देखता है कि सारे के सारे गुंडे मारे जा चुके हैं और मार्टिन भी जख्मी पड़ी हुई है, लेकिन फिर वो CCTV फुटेज को चेक करता है तो वो खुद को ही इस हालत का जिम्मेदार पाता है। अब कहीं पुलिस के द्वारा मोर्बियस पकड़ा ना जाए, इस कारण मोर्बियस CCTV फुटेज को डिलीट कर देता है, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड मार्टिन को, जो कि जख्मी थी, उसको सही इलाज की बहुत जरूरत थी। तो फिर जब वहां पर पुलिस आती है तो मोर्बियस वहां से जा चुका होता है और वो पुलिस वाले मार्टिन को अपने साथ ले जाते हैं। फिर उसके बाद मोर्बियस अपनी लैब में पहुंच जाता है और फिर अपनी स्ट्रेंथ और एबिलिटी को चेक करने के लिए अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट करता है। फिर अपनी पावर्स को चेक करने के साथ साथ मोर्बियस को ये पता चलता है कि अपने आप को जिंदा रखने के लिए उसे खून भी पीना पड़ेगा और वो अगर ऐसा नहीं करता है तो फिर से वो अपने पहले रूप में आ जाएगा। लेकिन डॉक्टर मोर्बियस एक दिल का अच्छा इंसान होता है, इसलिए वो नहीं चाहता कि खुद की भलाई के लिए वो किसी का खून पिए और फिर वो डिसीजन लेता है कि वो अपना बनाया हुआ सिंथेटिक ब्लड ही पी सकता है। लेकिन सिंथेटिक ब्लड के पीने के बाद उसे पता चलता है कि वो केवल 6 घंटे तक ही असर दिखाता
जाता है और फिर 6 घंटे के बाद वो अपने वापस से पुराने शरीर में आना स्टार्ट कर देता है। मतलब कि अब मोर्बियस को हर 6 घंटों में वो ब्लड कंज्यूम करना पड़ेगा और अगर वो रेगुलरली इस ब्लड को यूज करता है तो धीरे धीरे उसकी ड्यूरेशन भी कम हो जाएगी, जो कि 6 घंटे से 5 घंटे, 5 घंटे से 4 घंटे हो जाएगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब सिंथेटिक ब्लड उसकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी काम नहीं करेगा और उसको फिर से ह्यूमन ब्लड को कंज्यूम करना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे मोर्बियस को अपने बॉडी के बारे में और उसकी ताकतों के बारे में पता लगने लगा था कि उसकी क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। लेकिन उसी बीच यहाँ पर मोर्बियस से मिलने के लिए उसका दोस्त माइलो आ जाता है और जब माइलो मोर्बियस को ऐसी हालत में देखता है कि वो बिना छड़ी के सहारे चल रहा है और उसमें इतनी ताकतें आ गई है तो वो मोर्बियस से पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा कैसे किया, तो इसका मतलब तुम्हारा वो एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा और तुम्हारी वो सीरम काम कर रही है। उसके बाद माइलो मोर्बियस से अपने लिए भी वो सीरम मांगता है ताकि वो भी उसकी तरह तंदुरुस्त और उसके पास भी शक्तियाँ आ जाए। लेकिन मोर्बियस माइलो से कहता है कि वो सीरम एक जानलेवा जहर से बढ़कर नहीं है और तुम्हें वो सीरम नहीं लेनी चाहिए क्योंकि मैं एक इंसान से अब दरिंदा बन चुका हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम भी मेरी तरह दरिंदा बन जाओ। उसके बाद इन दोनों के बीच काफी झगड़ा भी होता है जहाँ पर माइलो सीरम के लिए जिद करता है और मोर्बियस उसको मना कर देता है। उसके बाद माइलो वहाँ से चला जाता है। लेकिन थोड़े दिनों बाद ही मोर्बियस को पता चलता है कि उसकी लैब में काम कर रही एक लड़की का मर्डर हो गया है और उसकी बॉडी से सारा खून चूस लिया गया है। फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है और पुलिस को मोर्बियस पे शक हो जाता है क्योंकि सेम इंसिडेंस उस जहाज पर भी हुआ था जहाँ पर मोर्बियस मौजूद था। उसके बाद मोर्बियस को भी लगने लगता है कि शायद जब वो अपने मॉन्स्टर वाले रूप में हो तब शायद उसने ये कर दिया हो, क्योंकि जब भी मोर्बियस वैम्पायर बनता है तो उसका अपने शरीर पर काबू नहीं रहता। लेकिन तभी वहाँ पर मोर्बियस को पकड़ने के लिए पुलिस आ जाती है, लेकिन मोर्बियस नहीं चाहता था कि पुलिस उसको पकड़े, इसीलिए पुलिस को चकमा देकर मोर्बियस वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जैसे तैसे पुलिस उसको पकड़कर जेल में कैद कर ही लेती है। फिर कुछ दिनों बाद जेल में मोर्बियस से उसका दोस्त लूसियस मतलब कि माइलो मिलने आता है और उसके हाथ में एक छड़ी भी होती है और साथ में एक खून की थैली भी होती है जो जाते समय माइलो अपने दोस्त मोर्बियस के लिए छोड़ जाता है, जिसको देखकर मोर्बियस को माइलो पर शक हो जाता है कि शायद कहीं ना कहीं माइलो ने भी वो सीरम यूज की है जिसके कारण वो इतनी जल्दी रिकवर हो पा रहा है, क्योंकि उससे पहले माइलो को 2 छड़ियां लगती थी चलने के लिए और आज वो सिर्फ 1 छड़ी की मदद से उसके पास पहुंच गया। उसके बाद मोर्बियस को ये बात भी क्लियर हो जाती है कि उसकी लैब में जिस औरत का कत्ल हुआ था वो भी उसने नहीं बल्कि उसके दोस्त ने किया था। उसके बाद मोर्बियस सोचता है कि मेरा दोस्त कहीं दरिंदा ना बन जाए और उसको रोकने के लिए वो जेल तोड़कर भाग जाता है और सीधा जाकर अपने दोस्त माइलो से मिलता है और उसे समझाता है कि तुम अब एक दरिंदे बन चुके हो। और मोर्बियस उसको काफी समझाने की कोशिश करता है कि वो उसकी मदद कर सकता है, लेकिन माइलो उसकी एक भी बात नहीं मानता और बल्कि माइलो के सामने जो भी आता माइलो उसको मार देता। फिर माइलो मोर्बियस को एक ऑफर देता है और कहता है कि जो ताकतें हमारे पास है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है, तो अगर हम दोनों एक साथ आ जाएं तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मोर्बियस ऐसा करने से मना कर देता है। लूसियस चाहता था कि वो उसके साथ मिल जाए, लेकिन अब जब उसको पता चल चुका था कि उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होने वाली तो माइलो हर उस कोशिश में लग जाता है जिसके कारण मोर्बियस पुलिस के हाथों पकड़ा जाए या फिर मारा जाए। और फिर वो धीरे धीरे ऐसे ही इंसिडेंट्स करने लगता है। लेकिन अब ये बात मोर्बियस को भी पता लग जाती है और फिर मोर्बियस अपनी लैब में जाकर एक ऐसी सीरम तैयार करता है जिसको शरीर में इंजेक्ट करने के बाद माइलो फिर से अपने पहले वाले शरीर में आ जाता। वहीं दूसरी तरफ अब माइलो और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था क्योंकि उसने खुद को इंसानों का ब्लड पी पी कर और भी ताकतवर बना लिया था और लोगों को जान से मारने की भूख उसकी यहाँ पर भी खत्म नहीं होती कि वो अपने ही डॉक्टर केयरटेकर को भी जान से मार देता है और मार्टिन को भी जख्मी कर देता है। लेकिन जब मोर्बियस मार्टिन की जान बचाने के लिए वहाँ पर पहुँचता है तो खुद भी बहुत कमजोर होता है और मार्टिन भी जख्मी होती है। लेकिन माइलो डबल ताकतवर था और इसका यही कारण था कि मोर्बियस ने अभी तक सिंथेटिक ब्लड का यूज किया था और माइलो इंसानों का खून पी रहा था। और फिर यहाँ पर मार्टिन मोर्बियस को कहती है कि उसको माइलो को रोकना ही होगा और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो माइलो पूरे शहर को खत्म कर देगा और हर किसी की जान ले लेगा, और अगर तुम्हें माइलो से लड़ना है तो तुम्हें भी इंसान का खून पीना पड़ेगा ताकि तुम्हें भी ताकत आ सके। और फिर मार्टिन मोर्बियस से कहती है कि तुम मेरा खून पी लो और खुद को ताकतवर बनाकर माइलो को यहीं पर खत्म कर दो। और फिर ना चाहते हुए भी मोर्बियस मार्टिन का खून पी लेता है ताकि वो माइलो से लड़ पाए। और फिर इसके बाद शानदार खतरनाक फाइट शुरू होती है माइलो और मोर्बियस के बीच। लेकिन माइलो जहां लंबे अरसे से इंसानों का खून पी रहा था, इसी कारण माइलो की शक्ति मोर्बियस से ज्यादा थी और वो बार बार मोर्बियस को लड़ाई में हरा रहा था। लेकिन इसी बीच मोर्बियस को एक बात और पता चलती है कि उसके पास एक और शक्ति है जो कि था बैट्स के साथ बात करके उनके साथ कम्युनिकेट करना और उन्हें खुद के अकॉर्डिंग कोई भी काम दे देना।
देना और फिर उन सभी बैट्स की मदद से मोर्बियस माइलो पर एक जोरदार अटैक करता है और लूसियस वहीं पर गिर जाता है। और उसके बाद मोर्बियस माइलो के शरीर में वो सीरम डाल देता है जिसको उसने माइलो को हराने के लिए बनाया था। और जैसे ही मोर्बियस वो इंजेक्शन उसके शरीर में इंजेक्ट करता है, माइलो वहीं पर मर जाता है और उसके बाद मोर्बियस वहां से उड़ जाता है। लेकिन वहीं पर अगले सीन में हमें मार्टिन दिखाई देती है जो कि पहले तो अधमरी हालत में थी लेकिन मोर्बियस के काटने के बाद खुद को रीहील कर चुकी थी, यानी कि वो भी वैम्पायर में बदल चुकी थी, यानी कि अब उसमें भी मोर्बियस जैसी ताकतें आ चुकी थी। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ में ये शानदार कहानी यहीं खत्म हो जाती है।